हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि VLOOKUP प्लस इनडायरेक्ट ऑन मल्टीपल शीट्स हम कैसे यूज कर सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि VLOOKUP प्लस इनडायरेक्ट ऑन सेम शीट, पर इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा जो डेटा है वो मल्टीपल शीट्स के अंदर है और उसको हम कैसे इनडायरेक्ट और VLOOKUP के कॉम्बिनेशन के साथ हम उसको डेटा को फेच कर सकते हैं हमारी जो मेन शीट है उसके ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। इस डेटा के अंदर हमारे पास क्या है कि तीन शीट्स हैं। जैसे ये एक शीट नंबर जो वन, उसका नाम CA है, दूसरे का नाम है FL एंड तीसरे का नाम है KS। तो इसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं और उनकी सेल्स हैं तीनों अलग अलग शीटों के अंदर। और इस प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास चार तरह के हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो अलग उनकी जो सेल्स है उन्होंने वहाँ पर मैंशन कर रखी है। अब हमको क्या चाहिए कि ये जो हमारा VLOOKUP है वो अलग अलग शीट्स पे जाए और जो प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पर जो हमने फ्रूट्स हमने जो यहाँ पे मेंशन किए हैं सिर्फ उन्हीं की ही सेल्स यहाँ पर लेके आए। तो इनको करने से पहले आप सभी को पता ही होगा कि हम इसको क्या करने वाले हैं। फॉर्मूला लगाने से पहले हम तीनों शीट्स में जाके इनकी अलग अलग नेमिंग रेंज डिफाइन कर देंगे ताकि जब हम इनडायरेक्ट लगाएं तो उसकी वो वैल्यू ऑटोमेटिकली फेच कर ले, ताकि आपको हर बार जो उसकी टेबल अरे है VLOOKUP की वो चेंज ना करनी पड़े। तो उस पर हम जाएंगे शीट CA के अंदर, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे। मैं उसको नेम दे दूंगा ऊपर नेम, उसको जाके CA देन एंटर। ऐसे ही मैं जाऊंगा FL के अंदर, उसको मैं सेलेक्ट करके नाम दे दूंगा FL। ऐसे मैं जाऊंगा KS वाले के अंदर, उसमें मैंने नेम दिया डिफाइन करके KS। अब हमें सिर्फ यहाँ पर एक सिंपल VLOOKUP का फॉर्मूला और उसके अंदर हमें टेबल अरे के अंदर इनडायरेक्ट का यूज करना है। पर इसके अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन ये है कि इसमें हमें जो हमारे सेल रेफरेंस होते हैं उसका हमें ध्यान रखना होगा। वो कैसे हैं चलो देखते हैं। इक्वल्स टू VLOOKUP, लुकअप वैल्यू हमारी क्या है, इसमें लेमन्स है। अब हमें क्या करना है, जो लेमन्स है इसको हमें इसमें हमें डॉलर्स यूज करने हैं ताकि जो इस फॉर्मूला को मैं ड्रैग करूं तो ये फॉर्मूला हिले नहीं। तो इसके लिए मैं यूज करूंगा, मैं 6 से पहले लगाऊंगा डॉलर शिफ्ट प्लस 4 से, ताकि जब मैं इसको नीचे ड्रैग करूं तो ये 6 का 7 ना हो। ऐसे ही आगे करने के बाद कॉमा टेबल अरे। अब टेबल अरे के हमें के अंदर हमें चलाना है इनडायरेक्ट का फॉर्मूला। इनडायरेक्ट में हमें क्या कौन सी शीट से डेटा लेके आए, तो मैंने उन शीट्स के नाम यहाँ पर पहले ही मेंशन कर दिए हैं जो यहाँ पर नीचे। एक बात का और आप ध्यान रखिए कि जो जिस नाम से आपकी शीट्स नीचे मेंशन है सेम स्पेलिंग और सेम केस के अंदर, अगर नीचे अपर केस है तो यहाँ पे अपर केस में आप लिखिए। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर और इसको मैं करने के बाद ब्रैकेट बंद करता हूँ। देन हमारी जो जिसके अंदर हमारी वैल्यू पड़े उसके सेकंड कॉलम से हमको सेल्स की वैल्यू लेके आनी, तो यहाँ पर मैं करूँगा 2 देन एग्जैक्ट मैच। इसको मैं बंद करता हूँ देन एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए हमारी जो वैल्यू थी CA लेमन्स की 3686, उसको हम चेक कर लेते हैं। लेमन्स की 3686 बिल्कुल सही है। अब इसको मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ तो देखिए बिल्कुल सही आ रही है। और यहाँ पर इसको मैं ऐसे सेलेक्ट किया मैंने और देन कंट्रोल आर से, तो यहाँ पर भी काम करेगा पर अभी काम नहीं कर रहा है। वो इसलिए ये मैंने जानबूझ के ऐसा किया क्योंकि हमें यहाँ पर A से पहले डॉलर लगाना है ताकि जब इसको हम इससे ड्रैग करें B को C की तरफ जाएं तो हमारी ये वैल्यू है ये फिक्स रहे। इसको हम जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा और वापस मैं करूँगा देखिए बिल्कुल सही काम कर रहा है ये। तो
ऐसी केस स्टडीज में जहां पर आपको जो डेटा आपका जो मल्टीपल शीट से आ रहा है वहां पर आपको सबसे मेन जो आपको चीज ध्यान रखने वाली वो होती है आपकी सेल रेफरेंस। बाकी फॉर्मूला बिल्कुल आसान है ये, और बिल्कुल आसान तरीके से आपको मैंने बताया है इसको यूज करना, या आपका काम इससे बहुत कम होगा, बहुत आपका जो टाइम है बहुत टाइम बचेगा आपका इससे, और ये पूरी जो प्रोसेस है ऑटोमेशन के थ्रू। अगर मैं यहाँ पर कोई नाम चेंज भी कर देता हूँ, सपोज कि यहाँ पर मैंने एप्पल्स की, तो यहाँ पे एप्पल्स की आ गई है सेल, तो ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। उसके साथ ही जो फाइल मैं इस वीडियो में यूज कर रहा हूँ एक्सेल की, उस फाइल का लिंक मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, वहां इसको आप डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए।